महाराष्ट्र के सोलापुर शहर पुलिस ने भव्या पवार नामी शख्स का खून करने आए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्टल, कुछ कारतूस व धारदार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत लेकर सोलापुर न्यायालय में हाजिरी के बाद न्यायालय ने आरोपियों को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी के आदेश दिए हैं। पूछताछ करने पर उन्होंने 2 लोगों के नाम बताए जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। आणि तिथं असलेले काही गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले, त्यांच्याकडे विचारपूस केली असता त्यांची नावं सोमनाथ खंकाळ, गजानन नगर रेल्वे स्टेशन पाठीमागे सोलापूर, हा सोलापूर जिल्ह्यामधून तडीपार असलेला गुन्हेगार आहे। त्याच्यानंतर विजय कवाडे, वय 32 वर्ष, राहणार विठ्ठलनगर गौतम विद्यालय शेजारी पंढरपूर। प्रशांत विजय धोत्रे, वय 26, पिसेवाडी तालुका माळशिरस। नरेश दिगंबर घोरपडे, वय 34, हा सोलापूरचा राहणार आहे आणि ह्याच्या घरामध्येच हाही गुन्हेगारच आहे, ह्याच्या घरामध्येच हे लोक मिळवत आहे, RTO जवळ त्यांचं ऑफिस आहे। आणि त्यामधील 2 गुन्हेगार निलेश प्रचंडे आणि सोनू माने, राहणार कोळगंडी पंढरपूर, हे पळून गेलेले आहेत। परंतु जे लोक त्या ठिकाणी मिळाले त्यांच्याकडे 2 देशी पिस्टल, 4 जिवंत कारतूस, 2 सत्तूर, दोरखंड, स्क्रूड्रायव्हर, मिरची पूड, 2 मोबाईल आणि 4 बाईक, असा जवळजवळ 3.5 लाखाचा मुद्देमाल मिळालेला आहे। हे जे गुन्हेगार आहेत हे पंढरपूर येथे सरजी टोळी जी आहे, सरजी ह्या टोळीचे हे सदस्य आहे। ह्या टोळीने मागील वर्षी 19/3/18 रोजी पंढरपूर येथे टोळी प्रमुख गोपाळ अंकुशराव याच्यासाठी हे काम करतात। तर ह्या टोळीने काय केलं होतं, 19/3/18 रोजी संदीप पवार याच्यावर पूर्ववैमनस्यातून कोयता, कुराड आणि गोळीबार करून त्याचा खून केला होता। सरजी टोळी आणि भैया पवार टोळी यांचे पूर्ववैमनस्य आहे, यांच्यावर अनेक गुन्हे पंढरपूर येथे दाखल आहे। तर या ठिकाणी म्हणजे सोलापूरला यायचं त्यांचं कारण असं आहे की मयत संदीप पवार याचा भाऊ भैया पवार हा 12/9/19 गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये दरवर्षी इथं येतो अशी त्यांची माहिती होती आणि त्यावरून इथं नंतर त्याचा खून करण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी हे लोक सगळे आलेले होते। तर हे अतिशय चांगली आणि मोठी कामगिरी विजापूर नाका पोलिसांनी केलेली आहे, ज्याच्यामुळं यांना वेळेच्या अगोदरच ताब्यात घेतल्यामुळं पुढील होणारा अनर्थ टळलेला आहे। उपखंड स्पोडरा क्षेत्र में रोजाना हो रही बारिश अब किसानों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। किसानों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। खेतों में पानी भरने से तिल व बाजरे की फसल बर्बाद हो रही है। मेरा शहर से डायरी बाहर करने के कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे में टीम को लोगों के गुस्से से भी 2-4 होना पड़ रहा है। आज एक बार फिर टीम को उस वक्त लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा जब रिहायशी इलाके से डायरी हटाने पहुंची टीम ने जमकर हंगामा किया। वहीं नगर निगम की टीम ने आधा दर्जन डायरी पर छापा मारा और भैंसों को कब्जे में लेकर डायरी संचालकों को चेतावनी दी कि डायरी खाली करके जल्द ही कहीं शिफ्ट हो जाएं, तभी भैंसे वापस की जाएंगी। अपना नाम बता दीजिए, आज क्या कार्रवाई की गई? कंगन राजकुमार बालियान, रिटायर प्रवर्तन दल अधिकारी नगर निगम मेरठ। आज हमने कोदीवाड़ा, सोराब गेट और प्रहलाद नगर में डेयरी हटाने का अभियान चलाया गया। डेयरी मालिकों को चेतावनी भी दी गई कि वे 1-2 दिन में अपनी डेयरी हटा लें। कुछ लोगों की हमने भैंस जब्त की है, आज दो भैंसें जब्त की है और जब ये अपनी डेयरी खाली कर देंगे तो इनकी भैंसें वापस कर दी जाएगी, ऐसा उनको बता दिया गया। ये अभियान आगे चलता रहेगा? ये अभियान जब तक चलता रहेगा जब तक शहर से डेयरियाँ नहीं हट जाती है। कितनी डेयरियों पर कार्रवाई की आज? आज हमने तकरीबन हम लोग 6-7 डेयरियों पर गए हैं जिसमें से कुछ लोगों की डेयरी खाली पाई गई है और एक जगह 4 डेयरी थी, वो भाइयों की, चारों भाइयों की है। उनमें से एक भैंस उनको चेतावनी के रूप में हमने उठाई है कि जब वो खाली कर देंगे वापस कर दिया जाएगा। एक जगह दूसरी पोतीवाड़ा से अभी उठाई है, वहाँ से भी एक भैंस जब्त की है। अगर वो वापस कर देते हैं तो उनकी तुरंत जब्त की भैंस वापस कर दी जाएगी।